tenniscricket.in, India's first tennis ball cricket website. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। समय के मामले में सहयोग करना है तमाम टीमों को। एक और पटकी हुई गेंद और देखिए किरण पवार का ये रेंज है, पवार का वार खाली नहीं जाता और ये धक धक चौका। चंद्रकांत, धक धक चौके के बारे में क्या कहेंगे आप? खूप चांगला फटका या ठिकाणी इतना पहिला मेलो अखुट टप्प्याचा बॉल होता, परंतु एका वेगळ्या पद्धतीने त्यांना समोर मिड ऑनच्या नक्कीच वरून बॉल खेळण्याचा प्रयत्न। पॉवर प्लेमध्ये अशा प्रकारचे स्ट्रोक्स येणं गरजेचं असतं आणि किरण ते करत आहेत। इस बार उठा दिया, नाउ दिस इज अ हॉट शॉट, बिल्कुल ग्लोबल टी20 सिक्सर, जिसका बल्ला है तलवार, जो गेंद से करता है यलगार, जिसका खाली नहीं जाता वार, वो है किरण पवार। हॉट शॉट, ओवर पिच बॉल थी और मानो गोल्फ खेल रहे थे, नॉट क्रिकेट। अब देखिए इसको एक ही चीज कह सकते हैं, OMG, ओ माई गॉड, और बॉल ग्लोबल टी20 सिक्सर। सर काय फटका खेळला आहे, त्या फटक्याने या अगोदरच्या फटक्याने त्यांना कॉन्फिडन्स दिला आणि आता जर पाहिलं तर अगदी भिरकावून दिलाय। सोपं नसतं सुलतान सारख्या गोलंदाजावर आक्रमण करणं, परंतु किरणने जे दोन स्ट्रोक मारलेत ना, तर या मॅचमध्ये वेगळं काही स्पेशल दाखवण्याच्या तयारीत किरण दिसत आहेत। इस बार भी उठा दिया है और एक टप्पा खाती हुई बॉल, अब बॉल भी धक 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 करती हुई चली गई चार रन के लिए। धक धक चौकार या ठिकाणी येताना पाहिला मी, तो है काय बॅटिंग केली जाते, आक्रमण आणि आक्रमक अंदाजामध्ये या ठिकाणी पहिल्या ओव्हरला सुरुवात झाली आहे आणि जाहीर करतात आपले इरादे किरण पवार, पवारची पॉवर। बहुत खतरनाक कार्नेज। अब देखिए किस तरह आड़े बल्ले से खेलना चाहिए, कैच का मौका है, गेंद के नीचे आते, ओहो आते आते गेंद हाथ में ताली मारकर चली गई, ग्लोबल टी20 सिक्सर। शानदार शॉट किरण पवार, जिसके नाम में रन, जिसके बल्ले में रन, जिसके जिगर में रन, वो है किरण। नक्कीच या खेळाडूच्या नावातच रन आहे, तर रन नाही करणार तर काय करणार, जबरदस्त बॅटिंगचा नजारा। आज जर पाहिलं तर प्रदीप पाटील यांनी देखील प्रभावित केलं आणि या मॅचमध्ये जर पाहिलं तर किरण पवार आपल्या फलंदाजीचे रंग उधळताना पाहायला मिळतात या सामन्यावर। आणि अब देखिए अफलातून शॉट, ग्लोबल टी20 सिक्स, इतने आराम से उस शॉट को अंजाम दिया किरण पवार ने। इतने आराम के साथ उन्होंने अपने बल्ले को घुमाया और वो सिक्स खेला, जैसे कॉलेज में 11th स्टैंडर्ड में पहले दिन जाने वाला नया युवान अपने बालों में कंघी घुमा रहा हो, एकदम स्मूथ। अब देखिए ये है तगड़ा शॉट, भारी भरकम, GT26 की रन च्या बॅट मधून येत आहेत मात्र हे सहा रन। सर काय फटका खेळला जातोय, सजवला जातोय आणि नक्कीच सर्वोच्च धावसंख्येच्या दिशेने। डेफिनेटली ही इज मार्चिंग अहेड एंड मार्चिंग अहेड, और ये पहले ऐसे बैट्समैन बन सकते हैं अगर नॉट आउट रहते हैं जिसने पूरी इनिंग्स खेली हो, अगर वो छठवें ओवर की पहली बॉल तक भी रुक जाते, दैट विल बी अ न्यू रिकॉर्ड। हालांकि 69 for 2, इस बार पुल कर दिया है, आउटफील्ड में जाते हुए एक रन पूरा किया और क्रिकॉन कप का पहला अर्धशतक बनाने वाले बैट्समैन बने किरण पवार।
टीम के खिलाड़ी खुशी से अभिवादन करते हुए जो अब यहां पर एक और पुल शॉट, अब इसमें रिकी पॉन्टिंग की झलक थी, GT26 अ प्योर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी पुल शॉट 78/2। थक्क करणारी मॅरेथॉन इनिंग सध्याच्या घडीला किरण पवार मैदानाच्या आतमध्ये खेळत आहेत आणि गिअर चेंज केलाय, कारण ज्या पद्धतीने स्ट्रोक खेळले जात आहेत वा, आणि महत्त्वाचं होतं या इनने आणि या ओव्हरमध्ये रन येणं आणि ते रन येत आहेत। थोडा मस्ती में कहे तो गौर से देखिए इस इंसान को जिसने रन बनाए। अब देखिए दिस इज शॉट ऑफ द टूर्नामेंट, ओहो स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, व्हाट अ हॉट शॉट दैट इज, GT26 फ्रॉम द बैट ऑफ किरण पवार, चाबुक शॉट। बैट आणि बॉलचा संगम झाल्यानंतर सर पा काय स्वीट साउंड आलाय, आणि ज्या वेळेला संपर्क झाला त्याच वेळेला कळलं होतं की हा बॉल पलीकडे जाणार। अ कंप्लीट डॉमिनेशन बाय बॅट्समॅन